नीमच शहर में स्थित राजीव नगर क्षेत्र के रहवासी गुरुवार को बड़ी संख्या में केन थाने पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि राजीव नगर निवासी एक महिला द्वारा लगातार मोहल्ले वासियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि महिला शांति देवी द्वारा सभी मोहल्ले वासियों को गंदी गंदी गालियां बककर धमकी दी जा रही है। महिला की इस बर्ताव से राजीव नगर क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक समाजन वर्ग के लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। मोहल्ले वासियों का यह कहना है कि उपरोक्त महिला द्वारा आए दिन लगातार सभी समाज के लोगों को जाति सूचक गालियां बकी जाती है और एक दूसरे को आपस में लड़वाया जाता है। उपरोक्त महिला के खिलाफ नीमच के थानों पर दर्जनों शिकायतें दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि उपरोक्त महिला के बुलाने पर पुलिस त्वरित कार्रवाई राजीव नगर वासियों पर करती है, परंतु हमारी शिकायत पर आज तक पुलिस द्वारा महिला के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर सभी मोहल्लेवासी केन थाने पहुँचे और उपरोक्त महिला पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। वो क्या है ना, तो हमारा नल चलने देती है ना कुछ करने देती है, गंदी गंदी गालियाँ इतनी बकती है कि ना बहू बेटियों को न देखती है ना किसी को देखती है। कोई भी इंसान को मेहमान आए करे उसके सामने भी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ बकती है कि बस करनी है। नाली साफ़ करने आते हैं तो उनको नालियाँ नहीं साफ़ करने देती, झाड़ू वाली आती तो झाड़ू नहीं निकालने देती कि यहाँ निकालो मत, मुसलमानों का घर यहाँ छोड़ दो। आज भी हम यही शिकायत लेकर आज भी वो गाली गुफ्तार कर रही है और मरने की धमकी देती है हमारे नगर में। ये आए दिन विवाद करती रहती है, कभी रोड नहीं बनने देना, नालियाँ साफ सफाई करने वाले आते हैं कर्मचारी उनको भगा देना और नल बंद करा देना, हर चीज़ के लिए विवाद करती रहती है, घर वालों को परेशान करती रहती है आए दिन, और चाहे जिसका जाति सूत्र इल्जाम लगाती है कि हर बार रात में देखो तो रात में गाली बकना, सुबह उठते ही गाली बकना। हम तो सर सुखी रहना चाहते हैं, ये एक महिला जो परेशान करती है पूरे, सब मिलजुल कर रहना चाहता है, हम तो सब बढ़िया रहते हैं सर, यही है एक महिला जो बहुत परेशान करती है। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।